Hello student, welcome to the 23rd lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry. Now आप लोग बोलोगे कि सर चैप्टर तो खत्म हो गया IUPAC, तो फिर 23rd लेक्चर कैसे? तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली IUPAC का एक सेकंड पार्ट जो कि हम लोग कॉमन नेमिंग बोलते हैं. बहुत बार कैसे होता है कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया होता है और उसका कॉमन नेम भी पूछ सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था IUPAC नेमिंग होता है और एक कॉमन नेमिंग होता है. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर ही हम लोग दो लेक्चर लेने वाले हैं, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, कॉमन नेमिंग के. मतलब अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए या कॉमन नेम दिया जाए तो फिर आप उस कंपाउंड को कैसे पहचानोगे या फिर उसका नाम कैसे लिखोगे स्टूडेंट. तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज बहुत बार जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग कॉमन नेम भी एग्जाम में दिया होता है और एंट्रेंस में भी सेम होता है. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैं आपको जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो, पहले कान खोल के अच्छे से सुनना, ठीक है? तो जो कॉमन नेमिंग है बच्चों वो कैसे होता है, वो सोर्स से डिराइव होता है कि वो कंपाउंड कहाँ से जनरेट हुआ या कहाँ से उसको मिला. जैसे नाम सुना होगा ब्यूट्रिक एसिड, तो वो फर्मेंटेड बटर से मिलता है. कहाँ से मिलता है? फर्मेंटेड बटर से. आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड, ये स्कूल सेक्शन में सुना होगा, तो वो कहाँ से मिलता है बेटा? एसिटम का मतलब सार, विनेगर से मिलता है. तो स्टूडेंट्स ये जो कॉमन नेम है वो भी हमको याद रखना है, वो भी हमारे लिए एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट है. बट उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. दो पार्ट्स मतलब दो लेक्चर में, 23rd एंड 24th. 24th विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर IUPAC प्लस कॉमन नेमिंग बच्चों. 23rd लेक्चर में मैं आपको रूल्स बराबर से बता दूंगा, एक एक चीज किस तरीके से लिखनी है वो बता दूंगा. और 24th लेक्चर में मैं कम से कम आपको 15 से 20 एग्जाम्पल्स सॉल्व कराऊंगा और 10 से 15 एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा. तो लगभग समझो ना 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का जो भी मैं सिखाऊंगा 24th लेक्चर देखने से पहले उसको दो नहीं तीन चार बार रिवाइज कर लीजिएगा. तो दो से अगर चार बार आप रिवाइज करोगे तो फिर आपको 24th लेक्चर में कॉमन नेमिंग बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों कॉमन नेमिंग. तो IUPAC से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है? चलिए तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा एक बात याद है, ये चीज देखना कि कॉमन नेमिंग में आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? जैसे कोई कोई कंपाउंड्स के नाम आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. आज का टॉपिक है अपना कॉमन नेम, ठीक है? कॉमन नेम, ठीक है? ये जब सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को. दो मिनट वापस से आपको परेशान करता हूं मैं, ध्यान देना. कॉमन नेमिंग कैसा होता है बच्चों, बहुत बार जनरली क्लास में हम लोग नहीं सिखाते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इसको तो याद ही रखना है. बट इसके अंदर भी मैंने आरपी ट्रिक्स बनाए कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा जा सके. तो बच्चों कॉमन नेमिंग के अंदर भी मैं आपको आरपी ट्रिक्स दूंगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप किसी भी कंपाउंड्स को नेमिंग जनरली आप ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग. जैसे IUPAC नेमिंग में प्रीफिक्स होता है, रूट होता है, सफिक्स में दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वैसे बेटा यहाँ पे इतना बड़ा कुछ नहीं है. यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक होता है कॉमन नेम में दो ही चीजें होती है, एक होता है रेडिकल नेम और एक होता है बच्चों सफिक्स. दो ही चीजें होती है, एक होता है रेडिकल नेम और एक होता है सफिक्स, ठीक है? सर रेडिकल नेम क्या और सफिक्स क्या? सफिक्स का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? मेन फंक्शनल ग्रुप. रेडिकल का मतलब होता है एनी साइड चेन, कोई भी साइड चेन हो सकता है, एनी साइड चेन, या फिर हेलोजन ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, हेलोजन ग्रुप हो सकता है, या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिर्फ दो ही चीजें सिखाने वाला हूं, रेडिकल का नाम कैसे लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेमिंग में नाम कैसे लिखा जाता है, बस ये दो चीजें. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, रेडिकल नेमिंग, ठीक है? सबसे पहले If I start with methane, ये थोड़ा बहुत हो चुका है, revision भी हो जाएगा, please अच्छे से ध्यान देना. अगर मेरे पास में methane है, मैं इसमें से एक hydrogen निकाल देता हूँ, एक hydrogen निकाल दिया, तो यहाँ पे hyphen CH3 हो जाएगा, इसको bond CH3 बोलेंगे, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? Methyl, जिसको आप alkyl बोलते हैं, R group, क्या बोलेंगे? Methyl, ठीक है? दूसरा जो है बच्चों कौन सा था, याद है किसी को? Yes. ये सब याद रखना और नेक्स्ट लेक्चर में याद करके आना, राम भरोसे मत आना, हंसो मत,
इथेन, ठीक है। अभी बताओ अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, करेक्ट, ये दोनों सेम ही है बेटा, कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, तो समझो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा CH3CH2- राइट बॉन्ड। इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। आप बॉन्ड इधर भी डाल सकते थे, दोनों जगह मत डालना बिकॉज हमने एक ही हाइड्रोजन निकाला है, इसको इथाइल बोलेंगे। प्रोपेन के केस में देखते हैं, प्रोपेन बेटा इसको प्रोपेन बोलते हैं हम लोग, बराबर है। इसमें ये दोनों हाइड्रोजन सेम है और ये हाइड्रोजन अलग है, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी, अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला, दोनों में से कोई भी एक, दोनों मत लेना, एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। और दूसरा वाला मैंने बताया था, याद आ रहा है किसी को, कुछ सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, इसका नाम क्या है बच्चों, यस इट इज आइसो प्रोपाइल या फिर आई प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला था याद है ना, आइसो प्रोपाइल। बच्चों ये हो गया प्रोपेन, थर्ड वाला केस। अगर मैं बात करूं ब्यूटेन के केसेस में, ब्यूटेन में बेटा दो केसेस होते हैं, ब्यूटेन के खुद के दो केस है, एक तो ये इसको भी ब्यूटेन बोलते हैं और एक इसको भी ब्यूटेन बोलते हैं। अच्छे से प्लीज पढ़ लेना बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वरना सच बोल रहा हूँ तारे सभी हो गया। आप बताओ ये दोनों हाइड्रोजन सेम है और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, लास्ट वाला या फर्स्ट वाला, तो इसको बेटा हम लोग बोले थे एन ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, एन ब्यूटाइल। और अगर समझो ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी एक हटा दूं, तो इसको बेटा आइसोब्यूटाइल मत बोलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 90% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको आइसो मत बोलना, बिकॉज आइसो के लिए सेकंड नंबर पे CH3 होना चाहिए, 1-2 सेकंड नंबर पे CH3, यहाँ पे 1-2 सेकंड पे इथाइल है बेटा, तो चलेगा क्या, नहीं, तो इसको बेटा बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, ठीक है ना, ये याद रखना। सेक ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि जहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला है वो कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन, 1 degree 2 degree, याद है ना सबको, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख लिख के। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1, 2, 3, ये तीनों हाइड्रोजन सेम है और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें भी दो केसेस है। ये देखिए CH3 CH, यहाँ पे CH3 और ये वाला H अगर मैंने हटा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड नंबर पे आइसो है, इथाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। और अगर समझो मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया होता, तो अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाला होता, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सब आएगा, नहीं तो वरना मैं सही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको तारे जमी होगा, फिर मुझे मत बोलना। इसको बेटा हम लोग टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे सर 1, 2, 2 पे दो बार मिथाइल है, तो दो बार मिथाइल है तो नियो आना चाहिए, बेटा नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, याद रखना, ये नोट लिख लो, नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 5 होने चाहिए, इसमें तो 4 ही है बेटा, तो यहाँ पे नियो वर्ड कभी आएगा नहीं। लास्ट वाला बेटा हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ वाला, ये वाला सबको याद रखना, ये वाला, इसी को बेटा हम लोग नियो पेंटेन बोलते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन एक जैसे ही हुए, ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। देखो अभी आप बताओ, इसको मैं नियो बोल सकता हूँ क्या, हाँ, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं नियो पेंटाइल, ठीक है। तो ये कॉमन नेमिंग में ये सब यूज होने वाले हैं, देखना आपने देखा होगा पूरा 22 लेक्चर आपने देख लिया, बट मैंने कभी आइसो सेक ब्यूटाइल ये सब IUPAC में यूज ही नहीं किया, बिकॉज इनको अलाउड ही नहीं है बेचारों को, तो कॉमन नेमिंग में ही ये सब यूज होते हैं। तो अभी मैंने आपको एक एक हाइड्रोजन निकालना सिखाया, ठीक है, अभी हम लोग दो दो हाइड्रोजन निकालना सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स दो दो हाइड्रोजन निकालना सीखते हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। अभी जैसे मेरे पास में इथेन है, अभी तक मैं कितना हाइड्रोजन निकाल रहा था, एक हाइड्रोजन निकाल रहा था, राइट, तो नाम में YL आ रहा था। अगर मैं इसमें दो हाइड्रोजन निकालू, तो दो हाइड्रोजन निकालूंगा तो बेटा दो केसेस हैं। सर दो केसेस कैसे, दो हाइड्रोजन में इसी कार्बन से निकाल सकता हूँ या फिर एडजेसेंट से निकाल सकता हूँ। सुनो बेटा प्लीज, सर बोलो, ठीक है वापस बोलता हूँ, एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकाल सकते हैं या फिर आजू बाजू वाले
कार्बन से भी दो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो याद रखना एक सिंपल सा नोट, अगर एक ही कार्बन के ऊपर से आपने दो हाइड्रोजन निकाले हैं, क्या एक ही कार्बन से आपने दो हाइड्रोजन निकाला है, समझो ये चेन है ठीक है, और आपने एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाल लिया बराबर है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्काइल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकाला, तो नाम आ जाएगा अल्काइलिडीन। क्या नाम आ जाएगा ये याद रखना पड़ता है, अल्काइलिडीन ठीक है। सर एक सेकंड मेरे को भी डाउट है, बोलो ना बच्चों, बोलते नहीं हो तुम लोग। सर अगर हम लोग एडजेसेंट कार्बन से निकाले तो, एडजेसेंट कार्बन से निकालेंगे तभी भी इसका नाम हो जाएगा अल्काइल तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, दो हाइड्रोजन निकला है तो इसके नाम में अल्काइलीन आ जाएगा बस ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट, अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो वैलेंसी आपने फ्री कर दिया है तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कॉमन नेमिंग में जेमिनल बोलते हैं, बहुत झंझट है मेरे को क्या बोल सकते हैं, अभी ये कॉमन नेम में ऐसा ही होता है, आईयूपीएसी में इतना झंझट नहीं होता है, कॉमन नेम में बहुत झंझट होता है ना। अगर हम लोग बात करें कॉमन नेमिंग की तो ये जेमिनल हो गया, अभी ये क्या है बच्चों, ये विसिनल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं विसिनल। याद रखना एक ही कार्बन पे होगा तो जेमिनल और एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो उसको विसिनल बोलते हैं ठीक है। तो अभी मुझे बताओ मैं दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकाल दूं तो ये तो CH3 का CH3 रहेगा, अब ये CH है तो एक और ये दो, नेक्स्ट लेक्चर में याद करना है ये सब। अरे सर हाँ कितनी बार बोलोगे, मेरा काम क्या है बार बार बोलना, आप लोग पढ़ के आओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। चलो तो आप बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए, सर नाम में लीडीन आना चाहिए तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीडीन। ओके समझा समझा ठीक है, तो फ्यूचर में मैं बोल दूं इथिलीडीन डाइक्लोराइड, क्या बोला सुना, क्या सुना क्या, इथिलीडीन डाइक्लोराइड, तो यहाँ पे भी सीएल यहाँ पे भी सीएल, अभी इथिलीडीन नहीं मालूम तो क्या होगा वहां पे, तारे जमी होगा, जब सुना सुना लगेगा कि नहीं लगेगा, वेरी गुड हंस रहे सर। सीएच टू बॉन्ड सीएच टू, सर अगर आपने एक हाइड्रोजन इधर से निकाला एक हाइड्रोजन इधर निकाला, जिधर से हाइड्रोजन निकाले उधर डैश बनाने का नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा हाइड्रोजन निकाला कि नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथिलीन। बताओ ये विसिनल है कि जेमिनल है, सर एडजेसन पे रहेगा तो विसिनल, सेम पे होगा तो जेमिनल ठीक है। तो ये हो गया इथिलीडीन एंड इथाइलीन का। अभी सर आपने मीथेन का तो बताया ही नहीं, अभी इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह से निकलना पड़ेगा, तो बच्चों इसका नाम क्या रखो, इसका नाम मिथिलीडीन रखो कि इसका नाम मिथिलीन रखो, सर ऑब्वियसली एक ही कार्बन से निकाला है तो क्या नाम रखेंगे, मिथिलीडीन ही रखेंगे, वेरी गुड बेटा, इसका ये वाला भी नाम राइट है और ये वाला भी नाम राइट है, दोनों याद रखना। सर ऐसा कैसे, ये तो चीटिंग है बेटा, इसमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इस वजह से आप दोनों में से कोई भी यूज करो, कंफ्यूजन जब होता है तब प्रॉब्लम होती है ना बेटा, यहाँ पे तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना बेटा, मिथिलीन लिखो या मिथिलीडीन लिखो दोनों एक ही के नाम है, क्यों, क्योंकि दो कार्बन है ही नहीं, तो इस वजह से याद रखना मीथेन के केस में CH2 का बेटा मिथिलीडीन और मिथिलीन। और एक और बात अच्छी बात बोलू, हाँ बोलो सर, यही नाम सबसे ज्यादा यूज होता है मिथिलीन सबसे ज्यादा, क्योंकि ये नाम बेटा दोनों के लिए सेम ही होता है, इस वजह से जनरली इजी बोलने के लिए बेटा मिथिलीन, और इसका नाम ये क्यों पड़ा मैं वो भी बताऊंगा ठीक है। तीसरे केस में आते हैं बेटा प्रोपेन के केस में, बराबर है, ये सब अभी इतना ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जाने का नहीं, सिर्फ ब्यूटेन तक ही पढ़ना है, ऐसा नहीं ये हेक्सेन हेप्टेन हेप्टोक्टेन सब करना नहीं। तो बच्चों इसमें कितने केस है, बहुत सारे केसेस है, मैं दो हाइड्रोजन सेम जगह से भी निकाल सकता हूँ, अलग अलग जगह से भी निकाल सकता हूँ, तो इस केस में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। सर क्या केयरफुल, इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 नहीं, वो 1 2 3 कहाँ चलता है आईयूपीएसी में, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा, सर क्या बोला वापस बोलो, सुनते ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा इस तरीके से नेमिंग किया जाएगा, या तो लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो आपकी मर्जी ठीक है। सर मैंने यहां से कर दिया, सर अल्फा ये बीटा, बेटा नहीं बीटा, ये गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया, डेल्टा की तो जरूरत पड़ी नहीं। अभी अगर समझो मैं केस वन ले लेता हूं मैं अगर समझो फर्स्ट कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, फर्स्ट कार्बन से ठीक है ना, ये वाला कार्बन, तो मैं बेटा ऑब्वियसली नंबरिंग इधर से करूंगा ना, अभी तो अल्फा बीटा गामा करेक्ट,
तो इसका नाम क्या होना चाहिए सर? इसका नाम होना चाहिए प्रोपाइलीन। जेमिनल है? यस डी। बट प्रोपाइलीडीन अगर इसका नाम दिया तो फिर इसका नाम बताओ। बताओ इसका नाम फिर सर, एक ही कार्बन पे सर, प्रोपाइलीडीन। कितना चीटिंग करते हो ना तुम। तो मैं अगर प्रोपाइलीडीन बुलाऊं, कम यार प्रोपाइलीडीन, तो कौन आएगा? ये आएगा कि ये आएगा? सर दोनों आएंगे, तो फिर मेरे को तो एक ही को बुलाना था। तो सर फिर आपको आगे कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने ये जो हाइड्रोजन दो हटाया वो कहां से आता है? यस अल्फा से हटाया, तो इसका नाम अल्फा प्रोपाइलीडीन। ओके तो इसका नाम तुम बताओ सर। बीटा प्रोपाइलीडीन। परफेक्ट सर। अगर इधर से हटाया तो गामा मत लिखना, तो फिर इधर से नंबरिंग करेंगे ना। वन वेरी गुड। अगर इधर से हटाया होता तो आप क्या लिखते हैं इसका? गामा प्रोपाइलीडीन नहीं ना, क्या लिखते हैं? अल्फा प्रोपाइलीडीन ही लिखते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर मैं एडजेसेंट पोजीशन से हटाओ, ये दोनों पोजीशन से हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH एक बॉन्ड यहाँ पे, CH2 एक बॉन्ड यहाँ पे। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये विसिनल है कि जर्मिनल है? सर विसिनल है। तो नाम में क्या आएगा? लीन आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन। सर इसका और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा। सर अगर अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई बच्चा प्लीज ये मत बोलना बच्चों, ये हम लोग कॉमन नेमिंग में यूज नहीं करते हैं। ये ऐसा कुछ सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है कॉमन नेमिंग में। इसका फिर आप आईयूपीएसी नाम रखोगे। अगर कॉमन नेमिंग में हर एक चीज होती तो बट आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ती? आप समझ रहे मेरी बात को? तो याद रखना सिलेबस में सिर्फ दो ही है याद रखना, या तो सेम कार्बन से निकालो या फिर एडजेसेंट कार्बन से निकालो। आप ऐसे मत बोला सर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन आपके गांव से निकालू और एक लंबा चेन है जो मेरे गांव तक आता है वो हाइड्रोजन दूसरा मेरे गांव से निकालू, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। बीच में से ऐसा नहीं, आप कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन लो, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है तो वो कॉमन नेम है। अगर सर फिर ऐसा आगे तो क्या करें? ऐसा आएगा तो फिर आईयूपीएसी के नाम के अलावा उसका कुछ नहीं होगा, फिर उसके लिए आईयूपीएसी ही नाम है बेटा। तो इसमें अगर आप चाहो तो अल्फा और बीटा के बीच में है तो आप अल्फा या प्रोपाइलीन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों सर? अगर इधर होता तो फिर इधर से नंबरिंग करते ना। चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर मैं बात करूं और कोई पॉसिबिलिटी की, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। ये दोनों भी तो हो सकता है, तो फिर अगर इधर से नंबरिंग करेंगे ना तो एक ही हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले की अगर बात करें तो ये है आपका ब्यूटेन, करेक्ट। तो अभी इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। बताओ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ना। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑप्शन निकालू, सपोज मैंने अल्फा से दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए, ये तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए सर? इसका नाम होना चाहिए ब्यूटाइलीडीन। बट ये कौन से वाले कार्बन से निकाला आपने? अल्फा, तो अल्फा ब्यूटाइलीडीन। पहले जर्मिनल वाले देख लेते हैं। अगर आपने बीटा वाला निकाला ऐसा है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? बीटा ब्यूटाइलीडीन, बीटा ब्यूटाइलीडीन। समझा सर? इधर से निकाला तो अभी भी बीटा ही होगा। क्यों? क्यों फिर नंबरिंग इधर से करेंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सर इधर से निकाला तो भी अल्फा ही होगा, क्यों फिर इधर नंबरिंग इधर से करेंगे? ठीक है सर। फिर अभी विसिनल वाले एग्जाम्पल बताओ। विसिनल वाले में बेटा मुझे बताओ, अल्फा और बीटा के बीच में डाल दिया समझो CH3 CH2, समझो मैं दो हाइड्रोजन निकालने वाला हूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से। एक तो ये हो गया, और एक ऑप्शन कौन सा हो सकता है बताओ? CH3 CH एक इधर से एक यहाँ से और ये। अभी ये वाला मत बोलना सर, एक हाइड्रोजन आपके गांव से एक हाइड्रोजन हमारे गांव से, ऐसे नहीं बेटा, ये नहीं चलेगा। एडजेसेंट ही होना चाहिए ये दो, ये दो। और कोई पॉसिबिलिटी है सर? हाँ ये दोनों भी हो सकता है ना, तो हो चुका ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो रिपीट क्यों करेंगे। चलो इसका नाम क्या होना चाहिए सर? इसका नाम तो ब्यूटाइलीन होना चाहिए, ब्यूटाइलीन। सर इसका नाम भी ब्यूटाइलीन, तो कंफ्यूजन हो गया ना, ब्यूटाइलीन है कौन सा? तो आप बताओ ये ब्यूटाइलीन किसके किसके बीच में? अल्फा और बीटा के बीच में, तो क्या लिखेंगे? अल्फा। जैसे वन टू होता तो क्या लिखते हैं? वन लिखते ना, वैसे अल्फा और बीटा के बीच में तो क्या लिखेंगे? अल्फा। सर बीटा और गामा के बीच में होगा तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। बीटा और गामा के बीच में तो क्या लिखेंगे? बीटा। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलीन। क्या नाम हो जाएगा? बीटा ब्यूटाइलीन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो दो हाइड्रोजन निकलना ना। एक दो एग्जांपल्स और है, फिर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल जो आपको प्लीज याद रखने हैं वो भी देता हूँ, ठीक है? इसका फोटो लो एंड आगे बढ़ते हैं फिर।
ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसके आगे आपको याद रखने की जरूरत है, कॉमन नेम में इतना ही है जो मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ. ठीक है, चलिए अभी बताइए. यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट केस, यहाँ से दो निकालो यहाँ से, या फिर यहाँ से सेवन, यहाँ से तो दो नहीं निकाल सकते, तो इसमें एक ही केस हो गया, जेमिनल वाला एक ही केस होगा, ये वाला. इसका नाम क्या है? आइसो ब्यूटेन. ये तो सबको पता है, आइसो ब्यूटेन. तो ये वाला जो है, इसमें अगर दो हाइड्रोजन आता है तो ये जेमिनल है कि विसिनल है? विसिनल है, नहीं सॉरी, जेमिनल है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइडीन. बस खत्म, इसमें अल्फा बीटा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट दी, अगर दो ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर दोनों, कोई भी सेम ही है सब, तो इसमें अल्फा बीटा नेमिंग की जरूरत नहीं है. इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइसो ब्यूटाइलीन. इसका नाम क्या है? आइसो ब्यूटाइलीन. ठीक है ना, प्लीज ये बच्चों प्रैक्टिस करके ही बैठना, ठीक है? नाम बोलो से मत बैठना. नेक्स्ट लेक्चर 24th. नाउ अभी हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइंस. अल्काइंस मतलब अल्कीन्स ही है बेटा. हम लोग जनरली अगर बात करें तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं, बराबर ना? आईयूपीएसी में इसको इथीन बोलते हैं, बट अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसको इथिलीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? इथिलीन. तो ये नेमिंग कैसे पड़ा वो भी देखते थे. जनरली कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला ये होता है, इनको हम लोग अल्काइलीन बोलते हैं, आईयूपीएसी में इनको अल्कीन्स बोलते हैं, करेक्ट? तो अगर कार्बन का नंबर 1 हो गया, तो कार्बन इक्वल टू 1, समझो एन का वैल्यू 1 हो गया, तो एन का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 और इधर 2 हो जाएगा, तो ये CH2. बट कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये हो गया बच्चों. तो अभी बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए? एक कार्बन के हिसाब से तो इसका नाम मिथिलीन होना चाहिए, इस वजह से इसको मिथिलीन बोलते हैं. आपको पता चला, मैंने इसके दो नाम बताया था, एक तो मिथिलीडीन बताया था और एक मिथिलीन बताया था, और मैंने बोला सबसे ज्यादा यूज यही होने वाला है, तो ये याद रखना सब लोग, ठीक है? एन का वैल्यू अगर 2 हो गया तो C2H4 हो जाएगा, और C2H4 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे. सर फिर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? किसके साथ बनाओ? ऐसे बनाओ, तो इधर कौन है हवा में? कोई नहीं है, समझा बेटा? ऐसा, इस वजह से ऐसा. CH2 डबल बॉन्ड, CH2, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलीन. क्या बोलते हैं इसको? इथाइलीन, इथाइलीन, ठीक है? नेक्स्ट एन का वैल्यू अगर 3 हुआ तो CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन. इसी तरीके से अल्काइलीन, ठीक है ना? एन का वैल्यू 4 हो गया तो, एन का वैल्यू 4 हो गया तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है. एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, ओके, और एक ये पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड वाला, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार जो स्टूडेंट्स को क्या करता है? कंफ्यूज करता है. ये भी चालू ही नहीं हो रहा है. अरे हंस रहे, सेल लेके नहीं आ सकते सर आप. हाँ लाना है, ठीक है? चलो इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, गामा, डेल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा ब्यूटाइलीन. इसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इधर से भी नंबरिंग कर सकते, तो इसका नाम बीटा ब्यूटाइलीन, ठीक है ना? चलो इसका नाम सबको पता ही होना चाहिए, इसका नाम क्या है बच्चों? आइसो ब्यूटाइलीन, जो कि याद ही रखना है, बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए अगर मैं बात करूं इन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो सबको याद हो गया. आगे बेटा जरूरत नहीं है 5 कार्बन 6 कार्बन, ऐसा कोई स्टोरी है नहीं बेटा, इधर तक याद रखना. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेटा, इनका नाम. ये स्टूडेंट्स यू शुड सिंपली रिमेम्बर, याद रखना बेटा इनको, सिंपली रिमेम्बर, ठीक है? याद ही रखना. इस ग्रुप को बेटा हम लोग बोलते हैं क्रोटाइल ग्रुप, CROTYL, क्रोटाइल ग्रुप. इसको हम लोग बोलते हैं क्रोटॉन ग्रुप. नेक्स्ट लेक्चर में ये सब आने वाला है. इसको क्या बोलते हैं? क्रोटॉन ग्रुप. इसके बाद में इसको हम लोग बोलते हैं एक्राइल ग्रुप. ये सब याद रखना है बच्चों, प्रैक्टिस धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है? और इसको बोलते हैं सिनेम ग्रुप, सिनेम, ठीक है? सिनेम, CINNEM, सिनेम ऑलरेडी हेड सुना होगा, सिनेम सुना होगा, इसमें यही एसिड होता है, वो आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? क्रोटाइल, क्रोटॉन, एक्राइल, सिनेम, ठीक है? और दो कंपाउंड और बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH. अगर ऐसा कभी भी हो, ध्यान से सुनना,
तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं विनाइल, क्या बोलते हैं विनाइल, विनाइल ठीक है। और कभी अगर ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसा इस तरीके से हो तो इसको बेटा हम लोग कॉमन नेमिंग में बेटा इसको अलाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलाइल ग्रुप, ठीक है इतना आपको याद रखना बच्चों। तो इसको क्या बोलेंगे विनाइल और इसको क्या बोलेंगे अलाइल, ठीक है। और दो और बता देता हूं, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CH2 है ऐसा डैश तो इसको बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड ओ हो ऐसा तो इसको बेंजोइल बोलते हैं, ठीक है ना बेंजोइल। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है लास्ट वाला उतना प्लीज आपको क्या रखना है याद रखना है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे मैं फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखते हैं और एसिड्स का नेमिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसका फोटो लो, फिर आगे का पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द सेकंड लास्ट पार्ट फॉर द लेक्चर, कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सफिक्स वाला पार्ट, दैट इज रेडिकल के बाद सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप, उसका नेमिंग कॉमन नेमिंग में कैसा होता है वो भी बताता हूं। तो सुनो जनरली बेटा सोर्स से डिराइव्ड है, ठीक है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का नंबर समझो एक ही है, कार्बन का नंबर एक ही है, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला ग्रुप होगा, करेक्ट ये वाला ग्रुप। और इस ग्रुप को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं फॉर्म, जो कि बेटा डिराइव है वर्ड फॉर्माइका, फॉर्माइका का मतलब होता है एंड चिटी, तो उससे जो एसिड निकलता है उसको क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो आज के बाद ये ग्रुप को अपन क्या बोल सकते हैं कॉमन नेमिंग में फॉर्माइक और फॉर्म बोल सकते हैं। दो कार्बन होगा तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा उसके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट बेटा 60-70% जगह पे आपको ये वर्ड देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एसिड, जो डिराइव हुआ है बेटा एसिड टर्म से, एसिड टर्म का मतलब होता है विनेगर, ठीक है इसका नाम क्या है बच्चों विनेगर। अगर कार्बन नंबर तीन है, तीन कार्बन है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा, और इसका नाम है प्रोपियोन, इसका कोई ओरिजिन नहीं है इसी इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो वन रहेगा तो फॉर्म, दो रहेगा तो एसिड, तीन रहेगा तो प्रोपियोन, चार रहेगा कार्बन का नंबर फोर, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटर, ब्यूटर क्या बोलते हैं ब्यूटर। तो जो कि डिराइव्ड है बेटा फर्मेंटेड बटर से, फर्मेंटेड बटर से, उसमें एक एसिड होता है जिसका नाम क्या है ब्यूटरिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अगर कार्बन का नंबर फाइव है तो कार्बन का नंबर फाइव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार कार्बन पांचवा कार्बन, चार कार्बन हो गया और ये, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वेलर, वेलर जो कि डिराइव्ड है बेटा वेलरियन प्लांट, एक परिनियल प्लांट है वेलरियन, रूट्स में ये एसिड होता है बेटा वेलरिक एसिड, बेटा इसको बोलते हैं कौन सा एसिड वेलरिक एसिड। तो ये जो कॉमन नेमिंग हमने पढ़ा बेटा वो किसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। तो बेटा ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट सफिक्स वाला पार्ट। तो सफिक्स वाला पार्ट अलग अगले बोर्ड पे पता, तो आप लोग इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप सफिक्स बोलते हो उसका नेमिंग आपको याद रखना है, कॉमन नेमिंग ऑलमोस्ट में सब याद ही रखना है, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब चीजें का यूज पता चल जाएगा, ठीक है। अगर अल्कोहल है OH है तो हम लोग IUPAC में इसको क्या बोलते हैं ऑल बोलते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है अल्कोहल, पूरा लिखना है अल्कोहल, यहाँ पे इसको थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, इसको आपको लिखना है कीटोन। अगर यहाँ पे ये आ जाए तो बेटा इसको क्या लिखेंगे एट, वो एट नहीं खाली एट, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑइक एसिड नहीं एक एसिड खाली एक एसिड। इसके बाद में इसका नाम है एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है हाँ एक एनहाइड्राइड बेटा, सॉरी
क्या रहेगा, एक एनहाइड्राइड, इसका नाम है बच्चों ईथर, क्या नाम है ईथर, इसका नाम है अमाइन, NH2 होगा तो सिंपली अमाइन, इसका नाम अमाइड, इसमें कार्बोक्सामाइड वो सब कुछ नहीं, खाली अमाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, सर वहां पे तो अल लिखा था, कॉमन नेमिंग में इसको सिर्फ अल्डिहाइड बोलेंगे, इसका नाम वाई एल हैलाइड, वहां पे क्या था ओ वाई एल था ना, यहाँ पे सिर्फ वाई एल हैलाइड, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे हेलो या फिर हैलाइड लिख लेंगे, सिंपली हैलाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आज जो भी सिखाया बच्चों, प्लीज दो मिनट ध्यान से सुनो, 23rd लेक्चर में जो कुछ भी सिखाया है प्लीज डू रिवाइज 3 to 4 times, 3 to 4 times I said, फिर ही आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखना, वरना सच बोल रहा हूँ पक्का तारे जमी हो जाएगा बेटा, इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कम से कम लोग 25 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस, क्वेश्चन मतलब नेम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको ये चैप्टर का पूरा एक बार समरी बता दूँ, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।